नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश आप सबका सक्सेना सीपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दिल तुम भी रखते हो, दिल हम भी रखते हैं। दिल तुम भी रखते हो, दिल हम भी रखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, तुम वार करते हो और हम प्यार करते हैं। तुम वार करते हो और हम प्यार करते हैं। हमारे इस प्यार को और अपने उस वार को जानम समझा करो, जानम समझा करो। चलिए तो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा आपके सामने टॉपिक है डीएलएड परीक्षा 2019 प्रथम सेमेस्टर। हाल ही में परीक्षा हुई है, उसी का मैथ का पेपर है, उसको हम आप लोगों के सामने सॉल्व करवाते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। पहला क्वेश्चन उसमें यह था कि निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त है। दोस्तों, अपवर्त क्या होता है? तो पहली बात हम जानेंगे कि अपवर्त क्या होता है। दोस्तों, अपवर्त क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम मानते हैं कि 9 का अपवर्त बोला उसने, 9 का अपवर्त। दोस्तों, चाहे कोई भी संख्या हो, संख्या चाहे कोई भी हो, उसका हम क्या करें, यदि प्राकृतिक संख्या में, किसमें, प्राकृतिक संख्या में जब हम गुणा कर दें, प्राकृतिक संख्या में किसी भी संख्या का यदि गुणा करें तो उस संख्या का क्या मिलता है, अपवर्त प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपका, 1, 2, 3, 4, तो इसी प्रकार से 100 अनंत तक जाएगी। तो देखिए, 9 का अगर हम 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 9, 9, 9 दूना 18, 9 त्रिका 27, 9 चौका 36, तो ये क्या है, संख्या का, संख्या 9 का क्या है, ये अपवर्त मिल रहा है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। देखिए, 9, 18, 27, 36। और अगला क्वेश्चन आपका पूछा था अगला क्वेश्चन दिया था कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या है। दोस्तों, किसके बीच, 30 और किसके, 40, इसके बीच क्या पूछा था, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और ऑप्शन में आपका दिया था दोस्तों 31, 33 और क्या दिया था, 33, 37 और 31, 37 और 31 और 39। तो दोस्तों, इसमें क्या है, ये ऑप्शन आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। पहली बात देखिए क्या कह रहा है कि 30 और 40 इसके बीच अभाज्य संख्या। तो दोस्तों, पहली बात हम जानेंगे अभाज्य संख्या होती क्या है। सबसे पहली बात हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या का डिफिनेशन देखिए, अ मतलब होता है नहीं, अभाज्य मतलब क्या हो, विभाजित हो, क्या हो, विभाजित हो। तो दोस्तों, अ मतलब नहीं, मतलब ऐसी संख्या क्या जो एक और स्वयं, किससे, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या हो, ये विभाजित ना हो, दूसरी संख्या से विभाजित, देखिए यहां नहीं कह रहा ना, नहीं विभाजित हो, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो इसमें से हम देखेंगे, देखिए 31 क्या है, एक और स्वयं के अलावा और किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं, लेकिन 33 क्या है आपका, 3 से भी हो जाएगा और किससे, 11 से हो जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 33 देखिए यहां पर है, ऑटोमेटिक ये नहीं है, लेकिन सी वाले ऑप्शन में हम देखते हैं तो क्या है, 33 देखिए है और 37 है, ये दोनों जो संख्याएं हैं, एक और कौन, इट सेल्फ मतलब स्वयं, एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्याओं से क्या होंगी, विभाजित नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन दिया था तीन संख्याएं क्या थी, एक संबंध है दो संबंध है तीन के अनुपात में है। अब कह रहा है कि यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, इनका दोस्तों HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या MOS कितना दिया है आपका, 12 दिया है, कितना दिया है, 12 दिया है। तो ये कह रहा है, तो संख्या याद करिए, तो दोस्तों MOS क्या होता है, जैसे मैं अगर करूं मान लीजिए कि 4 और 6 का MOS याद करिए, तो दोस्तों MOS का मतलब क्या होता है, MOS का मतलब होता है जो दोनों में क्या हो,
दोनों संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो, तो इन दोनों में का कॉमन क्या है आपका, दो है, दो है ना। तो अब मौसा यहां पर दिया है 12 है, तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों इन तीनों संख्याओं में से क्या हुई होंगी, ये मौसा कॉमन रहा होगा, तो संख्याएं मान लेंगे क्या होंगी, एक x होगी, दूसरा 2x और तीसरा 3x हो जाएंगी। तो इस संख्याएं पूछा है, पहली संख्या x बराबर कितना है, 12 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, और इसमें क्या हो जाएगा 2 × 12 तो कितना हो जाएगा बराबर 24, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x है, 3 × कितना हो जाएगा 12, तो 12 तीन कितना हो जाएगा 36। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 12, 24 और 36। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कितना हो जाएगा, बी। इसमें दो ऑप्शन आपका दिया था 10, 20, 30 और दिया था 12, 24, 36। तो यही देखिए हो जाएगा 12, 24, 36, क्योंकि 12, 24 की एक संख्या एक कक्षा में 30 बच्चों में, बच्चे कितने थे आपका 30 थे, 30 बच्चों में ये कह रहा है कि 80% कितने, 80% क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। दोस्तों 80% बच्चे उत्तीर्ण हो गए, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो दोस्तों 80% उत्तीर्ण हो गए, तो 30 का अगर हम 80% निकालें, क्योंकि कह रहा है इसका 30 का 80% उत्तीर्ण हो गए, क्या करेंगे 30 का क्या निकालेंगे हम, 80% निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 30 × 80 को हो जाएगा 80%, का मतलब होता है बट्टा के 100, तो 100 कर देंगे, तो इससे 200 से 200 कट जाएगा, 8 × 3 = 24। तो पूछ रहा है 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो दोस्तों क्या होगा उत्तीर्ण बच्चे कितना आ जाएगा 24। यदि पूछता कि कितने प्रतिशत कितने बच्चे अनुत्तीर्ण होते, तो अगर अनुत्तीर्ण बच्चे निकालते तो 30 में से हम 24 को घटा देंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, 6 बच्चे क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अगला क्वेश्चन दिया था दोस्तों कि 18% अगला क्वेश्चन दिया था आपका कि 18% को क्या कह रहा था कि भिन्न में बदलिए। तो दोस्तों ये प्रतिशत है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि प्रतिशत का जो मतलब होता है 1/ कितना होता है 100। तो दोस्तों 18 को हम लिखेंगे 18 और प्रतिशत का मान हमने क्या बताया 1/100 कर देंगे, इसको कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा आपका 9/50। प्रतिशत भिन्न में अगर लिखेंगे 18% को, तो 9/ कितना होगा 50 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अगला क्वेश्चन दिया था अति लघु उत्तरी प्रश्न में पूछा था कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, कह रहा था कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों 3 अंकों की जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपका, 3 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है कितना होती है आपकी 100। तो यही हो जाएगा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी आपकी 100 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात करिए। कह रहा था 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप, मान लीजिए वृत्त है, कह रहा था इसका जो व्यास है, व्यास क्या होता है दोस्तों, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है और वो कहां से होकर जाती है, केंद्र से। तो इसका जो व्यास दिया है, व्यास को हम क्या लिखते हैं डी से, डी बराबर दिया है 35 सेंटीमीटर, डी बराबर व्यास दे दिया है 35 सेंटीमीटर, यही ना 35 दिया है। अब कह रहा है कि इसका परिमाप, देखिए परि मतलब होता है, देखिए परिमाप को लिखे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं परि प्लस क्या लिख देंगे माप, तो परि मतलब क्या होता है बाहरी, अब माप मतलब होता है मापना मापन, तो देखिए बाहरी ये परिमाप, ठीक ये हो जाएगा आपका बाहरी परिमाप। तो देखिए d बराबर इतना हो गया, तो हमें क्या होगा, देखिए वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप जो होता है वो क्या होता है आपका 2πr होता है, जिसको परिधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग परिधि बोलते हैं। देखिए 2 हो गया, पाई का मान होता है 22/7 × r, r आपका क्या हो जाएगा रेडियस, त्रिज्या हो जाएगी। देखिए व्यास तो दिया है, त्रिज्या क्या हो जाएगी r बराबर क्या, क्योंकि देखिए त्रिज्या क्या होता है केंद्र से यहां तक अगर मिलाएगा तो क्या हो जाएगी त्रिज्या, तो देखिए यहाँ r r, तो अगर d बराबर क्या लिख देंगे r प्लस r बराबर कितना हो जाएगा 2r के बराबर है, तो r बराबर क्या लिख देंगे हम, अगर r अगर हम यहां से निकालें तो क्या हो जाएगा इधर जाएगा d अपॉन 2। तो देखिए व्यास दिया है 35, हो जाएगा 35/2, तो यहां कर देंगे क्या 35/2, तो देखिए 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 5 = 7 × 5 = 35, तो 22 का यदि हम 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका
बाईस पचे 110, ये क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन दिया था कि 22 बटा के 7 को, किसको 22/7, इसको कह रहा था कि दशमलव संख्या में बदलना है, किसमें दशमलव में। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, 22 में पहले क्या करेंगे 7 का भाग दे देंगे, 22 में क्या करेंगे 7 का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, भाग दे दीजिए तो हो जाएगा आपका 7 3 कितना हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा, यहां पर 10 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 10, 7 × 7 कितना आएगा 30, 3 आएगा फिर 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 4 = 28, कितना हो जाएगा आपका 2 = 20 हो जाएगा, 7 × 2 = 14 कितना आएगा 6 आएगा 60 हो जाएगा, 7 × 7 = 56 कितना आएगा 4 आएगा 40 कर लेंगे, 7 × 5 = 35 कितना आएगा 5 आएगा करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 7 × 7 = 49 इसका कितना जाएगा 1 आएगा फिर 10 कर देंगे तो अब देखिए 7 × 7 = 49 एक आया 10, यही देखिए यहां पर भी 10 आया था। इसके बाद ये जितना भी नंबर होगा आगे क्या होगा रिकरिंग करने का मतलब कि यही पुनरावृत्ति होने लगे, बार बार दोहराने लगे। तो इसके ऊपर अगर हम इसे बार लगा देते हैं तो यह दिखाता है कि यही इन्हीं सब जितने अंक हैं इन लोगों क्या होगी पुनरावृत्ति होगी। तो 22 बटा के 7 को दशमलव में पूछ रहा था तो इसको हम लिख देते हैं 3.14257 इसके ऊपर बार लगा देंगे, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिया था दोस्तों, कौन सा अनुपात बड़ा है, दिया था एक 2:3 और एक आपका दिया था 5:8। तो दोस्तों एक तो नियम है कि 2 में आप क्या करिए 3 का भाग दे दीजिए, यही लिखिए 2/3, यहां लिखिए 5/8, तो इन दोनों का आपस में क्या करिए भाग दे दीजिए, जो मान आएगा जो मान बड़ा होगा उससे पता चल जाएगा कौन होगा। या तो एक सिस्टम हम क्या है, एक सिस्टम यह है कि देखिए इसका हर है इसका भी हर, अगर इन दोनों का यदि हर हम क्या करें बराबर कर दें, हर क्या करें दोनों का बराबर कर दें, तो इसमें क्या करना है हर बराबर, देखिए इन हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं इन दोनों का हम क्या करेंगे लसा लेंगे, तो 8 और 3 का लसा कितना हो जाएगा आपका 24, 8 और 3 का लसा 24 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा तो हम लिखेंगे क्या, यहां पर लिख देंगे 24 लिख दिए ठीक, इसके भी बटा क्या कर दिए 24, लेकिन यहां पर क्या होगा 24 में हम 3 का क्या करेंगे भाग देंगे, 24 में हम 3 का भाग देंगे तो 24 में यदि हम 3 का क्या करेंगे भाग देंगे तो 3 × 8 कितना हो जाएगा 24, तो ये जो हमारा भागफल आता है इसका हम क्या करेंगे 2 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2 × 8। अब 24 में अगर हम 8 का भाग दें कितना होगा 3 आएगा, 8 × 3 = 24, 3 का हम क्या करेंगे 5 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 × 3, तो देखिए 8 × 2 कितना हो जाएगा 16/24 आ जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 15/24, तो देखिए 16 रुपए को 24 भाग में बांटेंगे तब ज्यादा मिलेगा किसी को भी कि 15 रुपए 24 भाग में, तो इसमें क्या है 16/24 क्या होगा बड़ा हो जाएगा। या तो देखिए एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका एक ये है कि आप क्या करिए कुछ नहीं करना है, देखिए दूसरा में ये क्या करिए कि इस 8 का इसमें गुणा कर दीजिए और इस 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, जो बड़ा आएगा मान वही क्या हो जाएगा बड़ा होता है, देखिए 8 का 2 में करेंगे तो 16 हो जाएगा और 5 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये नंबर बड़ा है ना तो ये वाला क्या हो जाएगा मान बड़ा है, क्योंकि 2/3 का मान क्या है 16 आ रहा है और 5/8 का मान कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो जो मान बड़ा होगा वही क्या होगा संख्या बड़ी हो जाएगी ठीक। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिया था दोस्तों, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, एक दुकानदार है, एक दुकानदार के पास कप कितने थे 60 कप थे, उसने क्या कह दिया कि 40 कप बेच दिए, बेच कितने दिए 40 कप, तो पूछ रहा है ये जो 40 कप बेचे थे इस कप का, इसके पास 60 कप थे इस कप का ये कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा था कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे 40 कप बिक गए कुल कितने प्रतिशत कप बिके, ये पूछ रहा है कि ये कितने प्रतिशत कप बिके, तो मान लेते हैं कि हम क्या हमारे 60 थे कप कितने थे 60 थे, तो हम मान लेते हैं कि प्रतिशत पूछ रहा है तो हमारी हमको नहीं पता है तो हम मानते हैं 60 का हमने x प्रतिशत बेच दिया, 60 का x प्रतिशत बेच दिया और जो ये x प्रतिशत है वो किसके बराबर है 40 के बराबर है, किसके बराबर है आपका 40 के बराबर है, जब 40 के बराबर है तो हम क्या फाइंड कर लेंगे तो हो जाएगा 60 × x प्रतिशत का मान बटा कितना हो जाएगा 100 होता है बराबर कितना हो जाएगा 40, तो देखिए इससे ये
कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6x बटा के 10 बराबर कितना हो जाएगा 40, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 400 बटा के 6, तो कट कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 200, इधर करेंगे 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, और यदि हम इसका भाग देंगे तो हो जाएगा 66 सही 2/3%। एक तो ये तरीका है। अगला तरीका एक और आपको एकदम आसान तरीका बताते हैं दोस्तों। इसने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए कब की बात कर रहा है ना, आपका परीक्षा मान लीजिए पूर्णांक था, पूर्णांक कितना था 60। हमेशा आदमी पूर्णांक में से ही क्या करता है परीक्षा देता है तो नंबर पाता है। तो मान लीजिए ये कह रहा है कि 60 आपका क्या था नंबर आपका था भाई कब का था, अब आपका बिक गया कितना 40, मतलब कि 60 में आपने कितने नंबर पाए 40, तो ये पूछ रहा है प्रतिशत में इसको बताइए। इसी इन्हीं नंबरों को क्या करना है आपको, ये जो 40 नंबर पाए हैं आप इसको प्रतिशत में आपसे पूछ रहा है, तो प्रतिशत में बताने के लिए क्या करना है, हम 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे यहाँ प्रतिशत लगा देंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था प्रतिशत का जो मान होता है कितना होता है 1/100 होता है, 1/100 होता है। तो इसको क्या करेंगे सॉल्व कर दीजिए, ये इससे कट जाएगा तो बचेगा कितना आपका 400 बटा कितना हो जाएगा 6, फिर यही कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 बटा कितना हो जाएगा 3, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%। आसान तरीका, समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था दोस्तों, इसमें दिया था सॉल्व करने के लिए दिया था, क्वेश्चन था आपका 16 माइनस 18 माइनस 5, इसी को आपको सॉल्व करना था। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हम पहले क्या करेंगे इसमें देखिए, अगर आए इस टाइप का यदि प्रश्न आ जाता है तो हमको क्या करते करते हैं बॉड मास रूल लगाते हैं, क्या बॉड मास। इसमें क्या होता है जैसे बी से होता है ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देखिए अब ये बड़ा ब्रैकेट है मझला है छोटा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे छोटे वाले को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 18 माइनस क्या हो जाएगा 14 प्लस 16 माइनस 18 में से यदि हम 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 13 आएगा 13, ये सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे देखिए ये छोटा वाला ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, अब क्या आ गया आपके इसके बाद कौन सा है मझला ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 18 माइनस क्या हो जाएगा 14 प्लस 16 में से यदि 3 को हम घटाएंगे तो कितना 13 को घटाएंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब करेंगे अब कौन सा, अब ये ब्रैकेट बचा बड़ा वाला, इसको सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 18 माइनस 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया था कि पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए, तो दोस्तों 90 अंश का कोण किसके पटरी और प्रकार की सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हम क्या करेंगे एक सरल रेखा खींच देंगे, अब किसी भी माप का हम क्या करेंगे एक चाप एक वृत्त खींच लेंगे सर्कल, ठीक। अब यहां से जितना इस माप लिए थे ना उसी माप का यहां से क्या करेंगे एक चाप लगाएंगे फिर एक दूसरा चाप लगाएंगे, तो अगर पहला जो चाप लगाएंगे वो 60 अंश का काटेगा, दूसरा काटेंगे तो 20 अंश का। अब अगर इसका हम क्या करेंगे इससे एक चाप लगाएंगे, यहां से भी एक चाप लगाएंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो ये जो बनेगा कितने अंश का बनेगा 90 अंश का एंगल बनेगा, कितने अंश का 90 अंश का एंगल बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया था, अगला क्वेश्चन कह रहा था कि राम ने ₹300 में एक रेडियो खरीदा, कह रहा था है कि राम ने क्या किया एक रेडियो खरीदा, तो दोस्तों राम ने कितने खरीदा 300 का खरीदा। अब इसके आगे कह रहा है कि वह उसे कितने रुपए में बेचे, कह रहा है कि इस रेडियो को खरीदा इसको क्या कह रहा है कि बेचे कि उसे क्या करे 20% का लाभ हो, 20% का लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका 20% लाभ बराबर क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर कितना दिखा रहा है आपका 20%, तो हम लाभ करेंगे लाभ कितना लाभ का तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा इसका क्रयमूल इनटू लाभ प्रतिशत, तो क्रयमूल आपका कितना है 300 है, 300 का हम करेंगे लाभ प्रतिशत कितना है 20%, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 300 × 20% कितना हो जाएगा 100, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य कट गया 20
60,000। अब कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे क्या हो, 20% का लाभ हो। तो देखिए विक्रय मूल्य, अब हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य तो बराबर क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य प्लस क्या आ जाएगा आपका लाभ। तो देखिए क्रय मूल्य कितना था, 300 का था, 300 और प्लस लाभ 20% का लाभ कमाने के लिए उसको कितना बेचेगा, 60 रुपए अधिक में बेचेगा तो कितना आ जाएगा प्लस 60, तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब वो कि उसे कितने बेचे, 360 रुपए में यदि वो बेचता है तो उसे क्या होगा 20% का लाभ होगा, क्या होगा 20% का लाभ होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, कह रहा था वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे, कह रहा था 49, 59 और 109, कह रहा था वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए कि इसमें इसमें और इसमें भाग दिया जाए, कौन सी उस बड़ी से बड़ी संख्या से यदि भाग दे दिया जाए तो आपका शेषफल कितना बचे, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। दोस्तों यदि इस प्रकार का सवाल पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये संख्या में जो है ना, ये जो शेषफल जो दी रहा था ना, इस संख्या से शेषफल को हम क्या करते हैं घटा देते हैं, क्या करते हैं इस संख्या में से शेषफल घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 49 में से 1 को घटा देंगे, इसका 59 में से 3 को घटा देंगे, 109 में से की क्या करेंगे हम 5 को घटा देंगे। अब 49 में से 1 को घटाएंगे कितना आ गया 48, और 59 में से 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 56, और 109 में से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 104। तो तीन संख्याएं हमको मिली। अब देखिये बड़ी से बड़ी संख्या, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो उन लोगों का क्या करते हैं हम लोग, मौसा, तो 48, 56 और 104 का हम क्या करेंगे मौसा निकाल लेंगे। तो देखिए मौसा क्या करेंगे, हम भाग विधि से मौसा निकाल लेते हैं, तो 56 में हम क्या करेंगे 48 का भाग देंगे, तो 48 से कम कितना आ जाएगा 48, कितना आएगा कम 8 आएगा। अब 8 में 48 का हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा 8×6=48। अब 8 आया, अब इस 8 का क्या करेंगे 104 के साथ हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका 104 में यदि हम 8 का भाग दें कितना हो जाएगा 8×1=8, 2×24, 8×3=24। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या तो मौसा निकालिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 48, 56 और 104 का मौसा, 48, 56, 104 का मौसा कितना आ जाएगा आपका 8। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब देखिए 8 का यदि 49 में आप भाग दीजिए, देखिए एक शेषफल आता है कि नहीं, 49 में 8×6 कितना हो जाएगा 48, एक शेषफल बच जाएगा। इसमें करेंगे तो 8×7=56, 3×59 देखिए 3 शेषफल बचेगा, और इसका करेंगे तो कितना 104 आएगा, 5 आपका शेषफल बच जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका दिया था कि 5a² दिया था आपका, 5a² + 4a - 2 यह दिया था आपका, 5a² + 4a - 2। इसका मान ज्ञात करना था, दिया था कि यदि a, यदि a बराबर आपका कितना हो -2 a के स्थान पे। तो दोस्तों इसमें क्या है, एकदम आसान है, इसमें हम क्या करेंगे सिर्फ a के स्थान पे क्या करेंगे -2 रख देंगे, तो हो जाएगा 5 × a, a के स्थान पे क्या करेंगे -2, स्क्वायर है क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4, a का मान कितना है -2 कर देंगे -2 इसका -2। तो दोस्तों 5 × -2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे क्या है -2 × -2, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2×2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 4 आएगा, यहाँ लिखेंगे क्या × 4, मान लिखे चाहे ना लिखिए यहाँ प्लस। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, अब यहाँ कह रहा है कि 4 और -2 का, तो यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस, माइनस 4×2 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस लिखेंगे, माइनस 8 यहाँ पे -2, 5 में आप 4 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20, माइनस 8 माइनस 2 करेंगे कितना -10 हो जाएगा, तो 20 में से 10 को हम घटाएंगे कितना आएगा आपका 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया था, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपका दिया था एक वृत्त ऐसे दिया था, ऐसा दिया था दोस्तों, इसका हम नाम कर दे देते हैं
जीरो है, ओ ए बी सी। इसमें से प्रश्न इसने पूछा था तीन त्रिज्याओं के नाम लिखिए। दोस्तों त्रिज्या क्या होती है, जो केंद्र से होकर के जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या है, अगर तीन त्रिज्या इसमें क्या होगा, इसमें देखिए जो केंद्र से होकर जाएगा, देखिए एक केंद्र से कहां, केंद्र से इसमें एक ए ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ए ओ ए कर लीजिए, एक ओ ए हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां से बी पे जा रहा है, ओ बी हो जाएगा, ओ बी, और क्या हो जाएगा एक ओ सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ओ सी हो जाएगा। इसके बाद क्या पूछा था, तीन जीवाओं के नाम, क्या पूछ रहा था, तीन जीवा। तो दोस्तों जीवा क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु को क्या करे, टच करे, मतलब कि सर्कल पे वृत्त पे क्या करे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को क्या करे, टच करे। तो इसमें तीन जीवा क्या हो जाएगी, एक एसी हो जाएगी जीवा, एक क्या हो जाएगी एसी, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक टच कर रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए ए बी हो जाएगा, यहां पर भी टच कर रहा है, एसी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और देखिए एक बी से सी पर टच कर रहा है, क्या हो जाएगा आपका बीसी हो जाएगा। अब पूछ रहा था वृत्त के व्यास का नाम लिखिए, कह रहा है वृत्त का व्यास, तो इस वृत्त का व्यास, देखिए वृत्त का व्यास क्या होता है, जो किसी भी वृत्त के का हो जाए, वह जीवा जो वृत्त के कहां से होकर जाए, केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु से होकर जाती है, वो क्या होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा तथा वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो वृत्त का व्यास क्या, देखिए ए और सी है, तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और पूछा था वृत्त का केंद्र, क्या पूछा था वृत्त का केंद्र, दोस्तों वृत्त का केंद्र इसमें क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, तो वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा था कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। एक यहां पर मान लीजिए सलमा है, ये मान लीजिए क्या है, रेशमा है। अब इसमें कह रहा था कि ये जो सलमा है, ये जो है इससे 10 वर्ष ये क्या है, बड़ी है। तो पहली बात हम पूछेंगे कि रेशमा की उम्र क्या थी, उसमें रेशमा की उम्र तो बताया नहीं था, तो हम मान लेंगे कि रेशमा की उम्र क्या थी, एक्स थी। यदि इसकी एक्स रही तो ये 10 वर्ष क्या है, इससे बड़ी है, 10 वर्ष बड़ी है, तो कितना जाएगी, एक्स प्लस 10 हो जाएगा। ये प्रथम शर्त था, क्या था, ये प्रथम शर्त था। दूसरा शर्त में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त इसने कहा कि 4 वर्ष पहले, यदि इन दोनों से ये जो वर्तमान उम्र है इससे क्या हो, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले अगर कहेंगे तो 4 वर्ष पहले मतलब क्या करेंगे, 4 इसमें से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 10 माइनस 4, घटा दिए, इसमें से क्या करेंगे x माइनस 4 हम घटा दिए, तो अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना आपका आएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा x माइनस 4। इसके आगे क्या कह रहा है, ये कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी, 4 वर्ष पहले ये कह रहा है, ये जो सलमा थी 4 वर्ष पहले, ये जो उम्र है, जो भी इसकी उम्र है, इसकी उम्र से, ये जो इसकी उम्र है, इसकी उम्र से ये क्या है, दोगुना है, ये क्या है, दोगुना है। इसको हमको सॉल्व करना होगा प्रश्नानुसार। तो दोस्तों अगर हम लिखे हैं सलमा की आयु, अगर हम मैं बराबर करूं किसकी, रेशमा की आयु, तो पहले हम लिख लेंगे x प्लस 6 और लिख देंगे यहां बराबर x माइनस 4। क्या ये बराबर है, अगर आपके दिमाग में ये आए, क्या ये बराबर है, कैसे बराबर हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं, इसने ये कहा कि 4 वर्ष पहले ये जो उम्र है, इसके उम्र की, रेशमा की उम्र की, ये क्या है, दो गुनी है। जब ये दो गुनी है तो अब इसके बराबर आने के लिए हमको क्या करना है, इसमें गुणा करेंगे तब तो इसको बराबर करेंगे, बराबर यदि करना होगा तो इसमें दो का गुणा करें, या तो इसमें दो का भाग दें, या तो इसका क्या करें, इसको हम आधा करें, या तो इसमें दो का गुणा करें। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो का क्या करेंगे, 2 × रेशमा की, दो का गुणा किस लिए किया, कि ये इक्वेशन हमको क्या करना है, बराबर लिखना है ना, कि हमने क्या किया, ये तराजू है, इधर भी तराजू है, तो इन दोनों का पलड़ा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, x प्लस 6, यहां करेंगे 2 × x - 4। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 6 बराबर, इसका करेंगे तो हो जाएगा 2x - 4 × 8। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए ये 2x है, इसको इधर ला दीजिए, और इसको 8 को इधर ला दीजिए, ये हो जाएगा देखिए प्लस 6 है, 6 प्लस
माइनस आठ है, इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा, आठ हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा टू एक्स, ये प्लस इधर है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस एक्स, तो लिख देंगे आठ से कितना हो जाएगा आपका चौदह, बराबर कितना टू एक्स में से एक्स करेंगे तो कितना एक्स, इसका मतलब क्या है आपका एक्स बराबर चौदह। इसका मतलब कि सलमा की जो रेशमा की जो वर्तमान उम्र हमने क्या एक्स माना, ये क्या थी चौदह वर्ष थी, और इसका कितना था, इसकी उम्र कितनी थी, तो एक्स प्लस दस है तो लिख देंगे चौदह प्लस दस बराबर कितना आ जाएगा चौबीस। अब देखिए इसने यही बात बोला ना, देखिए अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसको देखिए वर्तमान उसकी चौदह थी इसकी चौबीस थी, अब इसने कहा कि चार वर्ष घटा दें तो एक्स माइनस चार, इसका मतलब हम क्या करेंगे चौदह माइनस चार घटा दें कितना हो जाएगा ये दस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दस हो जाएगा, और ये कितना है आपका चौबीस है, तो चौबीस में से भी यदि हम चार घटाएं इसका अगर करें तो चौबीस में से यदि हम चार को घटाएं तो कितना हो जाएगा आपका बीस आएगा। अब देखिए कह रहा था देखिए यहां पर बीस आया और ये कितना है दस आया, तो ये अब क्या करें, देखिए ये सलमा की उम्र है, सलमा कितना है बीस है और ये कितना है, यही कह रहा था ये दो गुनी है, ये कह रहा था दो गुनी है, तो जब ये दो गुनी है तो इसको भी अगर हम क्या करें, इस क्वेश्चन को मान लीजिए दोनों को बराबर करें, मान लीजिए अगर इन दोनों को हम बराबर करें तो क्या करें, या तो इसको हम दस करें या तो इसमें दो का गुणा करें, तो यही हम कहेगा दो इंटू दस, यही जो दो इंटू रेशमा के हमने किया था यहाँ पर सॉल्व किया था। दोस्तों आप लोगों को आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो दोस्तों यही पर हमारा क्या होता है टॉपिक खत्म होता है, और आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो दोस्तों क्या करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उस पर नोटिफिकेशन आपको मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो, इसे बगल में क्या करता है घंटी रहती है, घंटी का निशान रहता है उसको भी क्या करिएगा आप दबा लीजिएगा, और आप हमसे कैसा वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए हमको इस प्रकार से, और कोई भी शिकायत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 94-5285-09, और यदि आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पे सक्सेना सीपी क्लासेस, क्या है सक्सेना सीपी क्लासेस, सक्सेना सीपी क्लासेस से आप जुड़ जाइए, वहां पर हम क्या करेंगे सभी वीडियो के क्या करते हैं